हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्नैपचैट अकाउंट कैसे बनाएं। सो बन रही ये वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ लिखना है स्नैपचैट, इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद ओपन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ अलाउ कर देना है, ऐसे भी अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको नेम फिल करना है। सो चलिए कर लेता हूँ, मैंने अपना नाम फिल कर लिया। इसके बाद नीचे आपको साइन अप एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सो चलिए मैं कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। अब नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम शो होगा। अगर आपको यूज़र नेम पसंद नहीं आया तो चेंज माय यूज़र नेम पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूज़र नेम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। सो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एक पासवर्ड रख लिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना सारा हो जाने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे जो कोड आया वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। नीचे आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे ऐड फ्रेंड कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर आपको स्किप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके स्किप कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ से कुछ भी इमोजी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो राइट साइड कॉर्नर पर स्किप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।